we are discussing types of learning behavior. तो learning behavior में एक type associative learning का है, या इसका दूसरा नाम है conditioned reflex type 1, या इसका तीसरा नाम है classical conditioning. इसको हम कैसे define करेंगे? Definition ये है कि the getting of response to an artificial or neutral stimulus by associating it with a natural stimulus. यानी अगर हम किसी artificial stimulus को किसी natural stimulus के साथ associate करेंगे तो उस artificial stimulus से भी वही response आएगा जो natural stimulus से आता है. मैं पहले आपको जनरल एग्जांपल देता और फिर जो एक्सपेरिमेंट यहाँ किया गया था उसकी उसको एक्सप्लेन करता. नॉर्मली यू शुड नो कि फूड जो है ये एक नेचुरल स्टिमुलस है और स्टिमुलस के लिए जो रिस्पांस आता है वो सलाइवा की सिक्रेशन. तो इसका मतलब फूड वो नेचुरल स्टिमुलस है फॉर द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, और सलाइवा की सिक्रेशन उसके लिए नेचुरल रिस्पांस है. फूड देखने से, फूड चखने से, फूड का तस्करा करने से, फूड की खुशबू आने से इंडिविजुअल सलाइवा सिक्रेट करता है. तो जाहिर बात है सलाइवा की सिक्रेशन के लिए फूड का होना ये एक नेचुरल स्टिमुलस और सलाइवा की सिक्रेशन उसके लिए नेचुरल रिस्पांस है. बिल्कुल उसी तरह इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया. किसने? पावला, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट गुजरा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? डॉग्स. अब एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया फूड दिस इज अ नेचुरल स्टिमुलस फॉर व्हाट? फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा. तो फूड के लिए नेचुरल, यानी फूड नेचुरल स्टिमुलस है किसके लिए? उसके लिए नेचुरल रिस्पांस क्या होगा? सलाइवा. लेकिन अगर हम इस नेचुरल स्टिमुलस, यानी हम अगर किसी नेचुरल स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एसोसिएट करेंगे किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो जो नेचुरल स्टिमुलस से रिस्पांस आता है वो रिस्पांस फिर उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी आएगा. पावलोव ने क्या कर दिया? पावलोव क्या करता था? पहले वो करता था रिंगिंग ऑफ द बेल करता था, घंटी बजाता था, या यू कैन से साउंड ऑफ मेट्रोनोम. मेट्रोनोम घंटी बजाता था, या मतलब है कि बेल बजाता था, और उस बेल बजाने के फौरन बाद वो खाना देता था, फूड देता था किसको? डॉग. तो जाहिर ही बात है पहले घंटी बजाई, फूड, फिर फूड दिया, और फिर डॉग वो सलाइवा सीक्रेट करता था नॉर्मली. अब उन्होंने एक दिन ऐसा किया, घंटी बजाई डॉग के को और उसके फौरन बाद खाना दिया. दूसरे दिन ऐसा कर दिया और इस को बार बार कई दिन तक रिपीट किया. फिर उन्होंने क्या कर दिया? तो उन्होंने फिर सिर्फ अब घंटी बजाई और डाक ने उस घंटी के बजने से भी उतना सलाइवा सीक्रेट किया जितना खाना देने से करता था. अब डाक ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि डाक का एक्सपीरियंस था कि घंटी बजी है तो घंटी बजने के फौरन बाद खाना मिलेगा. तो जब हम किसी न्यूट्रल यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ये जो घंटी का बजना है, रिंगिंग ऑफ द बेल है, ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है. लेकिन हम पावलोव ने क्या कर दिया? इसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ? फूड के साथ. तो फूड नेचुरल स्टिमुलस था. अब जितना सलाइवा फूड देने से होता था सीक्रेट, उतना सलाइवा आर्टिफिशियल रिंगिंग ऑफ द बेल से भी होने लगा. सो अगर हम रिंगिंग ऑफ द बेल एक नेचुरल स्टिमुलस है, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, अगर हम इसको एसोसिएट करेंगे एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो जो नेचुरल स्टिमुलस से रिस्पांस आता है वो रिस्पांस फिर आने लगेगा किससे? इस आर्टिफिशियल या इस न्यूट्रल स्टिमुलस से. अब इस न्यूट्रल स्टिमुलस से जो रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को हम क्या कहेंगे? कंडीशन. क्योंकि हर डाक के आगे आप घंटी बजाएंगे उस सलाइवा सीक्रेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप घंटी बजने को एसोसिएट करेंगे खाना देने के साथ, तो फिर खाने से जितना सलाइवा सीक्रेट होगा उतना उस घंटी बजने से भी होगा. सो इसके लिए नेचुरल स्टिमुलस रिस्पांस ये होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लेकिन हमने इसको एसोसिएट किया था इसके साथ, तो जो रिस्पांस इससे आ रहा था वो रिस्पांस इससे आएगा. इसके इस स्टिमुलस को हम न्यूट्रल या आर्टिफिशियल स्टिमुलस कहते हैं, और इससे जो रिस्पांस आएगा सलाइवा की सीक्रेशन, तब उस सलाइवा की सीक्रेशन क्या होगी? वो कंडीशन रिस्पांस होगी. तो ऐसे लर्निंग को क्या कहते हैं? ऐसे लर्निंग एसोसिएटिव लर्निंग कहलाती है, क्योंकि हम इसमें एक चीज को
इन्हें आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एसोसिएट करेंगे किसके साथ, नेचुरल स्टिमुलस के साथ। तो जो फिर नेचुरल स्टिमुलस से जो रिस्पांस आएगा वो फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी आएगा। और जो पांचवा टाइप है ऑपेरेंट लर्निंग है, या इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं, या इसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप टू भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द एनिमल्स कंडीशन रिस्पांस। अब कंडीशन क्या होना चाहिए, इन्हीं खास कंडीशन में जब वो रिस्पांस देता है दैट इट इंस्ट्रूमेंटली, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है, किस कैसे इन प्रोड्यूसिंग कंसिक्वेंसेस, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करके एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा करेगा। अब वो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंट में वो कंसिक्वेंसेस इन उस जो हार्श कंडीशन में रिस्पांस देगा उससे जो एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा होंगे वो कंसिक्वेंसेस गुड भी हो सकते हैं और वो कंसिक्वेंसेस बैड भी हो सकते हैं। उन कंसिक्वेंसेस का उस एनिमल को फायदा भी होगा और उन कंसिक्वेंसेस का उस एनिमल को नुकसान होगा। तो अगर उन कंसिक्वेंसेस से उस एनिमल को फायदा पहुंच रहा है उस रिस्पांस से, तो वो एनिमल वो रिस्पांस को बार बार रिपीट करेगा या उस रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उससे उसको कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी और फिर उस रिस्पांस को वो एनिमल कभी भी रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पे एक्सपेरिमेंट कर दिए थे किसने, टारंडाइक और स्किनर, दो बायोलॉजिस्ट ने। अब उन्होंने क्या कर दिया, पजल बॉक्स बनाया, इसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। और उस स्किनर बॉक्स इन्हें गोरखदंडा बनाया, एक ओडन बॉक्स था जो इन्हें बनता हर साइड से और उसके अंदर मुख्तलिफ रास्ते थे, मतलब आप कह सकते हैं पजल रास्ते थे, पाथ थे। और उसके अंदर उन्होंने रेड डाला या कुछ बुक में लिखा है उसने खेर डाला, एनी हो जो भी आप। और उस बॉक्स के अंदर इन्हें उसके सारे दरवाजे सारे रास्ते दीवार बंद थे लेकिन उसके अंदर एक लेवर मौजूद था। अब उन्होंने क्या कर दिया, जब उनके रेड अंदर डाला तो रेड इधर उधर भागने लगी क्योंकि उसको एस्केप चाहिए, वहां से वो निकलना चाहती थी। एक्सीडेंटली उसका पाव किस पे पड़ा, लेवर पे पड़ा, और लेवर पे जब भी उसका पाव पड़ा लेवर दबने से दरवाजा खुल गया और वो रेट वहां से निकल गई। उन्होंने दोबारा डाला, दोबारा इधर उधर भागने लगी, फिर पाव पड़ा, फिर दरवाजा लेवर पे पाव पड़ गया, फिर दरवाजा खोला, फिर इसी तरह रिपीट करता गया। यानी अब अगर आप देख लें कहीं रिपीटिशन के बाद उसे पता चला कि लिवर दबना है, लिवर दबने से क्या होता है, एस्केप मिलता है। अब लिवर का दबना ये क्या है, ये एक कंडीशन रिस्पांस है। कौन सा कंडीशन था, उसे एस्केप चाहिए। अब वो यहां बनती एस्केप चाहिए था तो खास कंडीशन में रिस्पांस था और रिस्पांस क्या था, लिवर का दबना था। और इस लिवर के दबने से क्या हो रहे थे, एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा हो रहे थे। एनवायरमेंट में यहां कौन सा कंसिक्वेंस पैदा हो रहा है, वो एस्केप उसे मिल रहा है तो ये कंसिक्वेंस क्या होगा, गुड। तो उनको जब कई दफा डाला गया तो उसने सीख लिया ट्रायल एंड एरर से कि लेवर दबने से वो एस्केप उसको पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस और वो एस्केप उसको मिल जाएगा, उसको फायदा होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह था कि यहां उन्होंने जब ब्रेड डाला तो इसके साथ कनेक्ट किया था एक बॉटल जिसमें छोटे छोटे खुराक के पैलेट मौजूद थे, ड्राई फ्रूट। अब लिवर दबने से यहां से एक पैलेट गिरता था और उन्होंने एक दफा लिवर दबाए, एक्सीडेंटली दबा पैलेट गिरा, फिर एक्सीडेंटली दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, दसवीं दफा, बीसवीं, आहिस्ता उन्होंने सीख लिया कि लिवर दबने से क्या मिल रहा है, पैलेट मिल रहा है। तो लिवर का दबना कंडीशन रिस्पांस था और ये कंडीशन रिस्पांस इंस्ट्रूमेंटल था, प्रोड्यूस कर रहा था कैसे अगेंस्ट कैसे क्या था, पॉजिटिव गुड कंसिक्वेंस था क्योंकि उसे पैरेट खुराक मिल रही। लेकिन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, यही पजल बॉक्स था, इसके अंदर उन्होंने शॉर्ट सर्किट बनाया और वो सर्किट क्या था, इनकम्प्लीट था। लिवर दबने से वो सर्किट क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था। और जब भी लिवर दबने से वो कंप्लीट होता था तो रेट जब लिवर दबाता था सर्किट कंप्लीट, उसको करंट लग जाती थी। अब ये जो करंट का लगना था इन्हें ये भी कंडीशन रिस्पांस था, लेकिन इस कंडीशन रिस्पांस में क्या हो रहा था, जो कंसिक्वेंस पैदा हो रहा था वो बैड था क्योंकि उसे करंट शॉक लग जाता था। उन्होंने एक दफा लेवर दबाया, शॉक लगा, करंट इन्हें यहां सर्किट कंप्लीट, करंट लगा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, आहिस्ता आहिस्ता उसने सीखा कि यहां लेवर दबने से
नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट में कौन सा कंसिक्वेंस पैदा हो रहा है, बैड, तो उन्होंने लिवर के नजदीक भी नहीं जाती थी, दबना तो दूर की बात है, तो उसको प्रेस करना तो दूर की बात थी। तो ऐसी लर्निंग जिसमें ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का जो कंडीशन रिस्पांस होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है, एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा करता है वो बैड या गुड। तो ऐसा जो लर्निंग होती है ऐसे लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या टाइप टू लर्निंग कहलाती है। तो ये कुछ एनिमल में मौजूद होता है।